गुड मॉर्निंग क्लास 9। टुडे ऑन 23 जून 2020 वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस विच आर फॉर द पर्पज ऑफ पीसा टेस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो देखिए, अंडर रूट 45 माइनस 3 अंडर रूट 20 प्लस 4 अंडर रूट 5। तो पहले आप देखिए 45 के फैक्टर 3 × 3 × 5 माइनस 3 × 20 के फैक्टर 2 × 2 × 5 प्लस 4 √5। 5 पहले से प्राइम है, उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब आप देखिए स्क्वायर रूट साइन के अंदर 3 पेयर में है, तो इस पेयर में से एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 3 √5 माइनस। इसी तरह से यहाँ पे 2 बाहर आ गया, यहाँ से इस पेयर में से 3 × 2 √5 प्लस 4 √5। तो देखिए क्वेश्चन इजी हो जाता है जब आप फैक्टर्स स्क्वायर रूट में से अगर कोई जोड़ा है उसमें उस जोड़े में से एक बाहर निकाल लेंगे तो आप जस्ट कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो ऐसा बन गया 3 × 2 6 √5। तो 3 + 4 7 √5 हो गया। 7 √5 में से 6 √5 घटा दो तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? √5। 1 × √5 7 √5 में से 6 √5 घटाया तो 1 √5 बचा, तो √5 आंसर आ गया। इसी तरह से 24 √24/8 प्लस √54/9। ठीक है, तो √24, तो इसके 24 के फैक्टर करिए, 4 × 6 = 24 होता है ना, तो 8 × 3 = 24, 8 के फैक्टर ये हो गए √3। इसी तरह से 54 के फैक्टर करेंगे आप 2 × 3 × 3 × 3। देखिए 9 × 3 = 9 × 3 = 9 × 3 = 27 × 54 फैक्टर कर लिए। अब प्रत्येक फैक्टर में से अगर कोई पेयर लाइक फैक्टर का एक पेयर देखिए 2 बाहर आ जाएगा √6/8। यहाँ पर भी देखिए 3 बाहर आ जा रहा है इस जोड़े में से, 3 √ अंदर से बचा 2 × 3 √6/9। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया आप देखिए 9 × 8 = 72 आपका एलसीएम हो गया, तो 18 √6 8 × 9 = 72 तो 2 × 9 हो गया यहाँ पे 18 √6 प्लस 9 × 8 = 72 तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 9 × 8 = 72 तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3 × 8 = 24 √6। तो आपका सॉल्यूशन क्या आया 24 √6 प्लस 24 प्लस 18 √6/72 तो 18 × 24 कितना हो गया 42 तो 42 √6/72 तो इसमें कुछ कैंसिल होता है क्या? देखिए 2 × 36 times और 2 × 21 times और भी कुछ होता है 3 × 12 times 3 × 7 times क्या आया 7 √6/12 का आंसर आया। पूरा सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, इस वाले को आप स्वयं करें। इसमें एक और जोड़ देता हूँ मैं 3/√8 प्लस 1/√2, इन दोनों को आप स्वयं करें, अब प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आने लगेगा। एक क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो टेक्स्ट बुक में नहीं होता है लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में भी आता है, पीसा वाले क्वेश्चंस में भी आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि अगर 5 + 2√3/7 + 4√3 है किसके इक्वल a − 6√3 के। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 5 + 2√3/7 + 4√3 = a − 6√3 फाइंड ए, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपने पहले इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर दीजिए, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लीजिए। पहले देखिए 5 + 2√3/7 + 4√3 है, जब ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं,
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। क्या कहने का मतलब है, 7 - 4√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी डिनोमिनेटर में है यहाँ इसको प्लस को माइनस कर दीजिए, इसका कॉन्जुगेट बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा पाऊँगा, इसीलिए ये जो है ना ये यहाँ पे लग जाएगा ना, इसीलिए तो स्क्वायर रूट वाला चीज़ हट जाएगी। तो ये हुआ 5 + 2√3 × 7 - 4√3। ठीक है, नीचे देखिए 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर। आप देखिए 4√3 का स्क्वायर अगर निकालना तो इसका मतलब क्या है, 4√3 × 4√3, 4 × 4 = 16 और √3 × √3 = 3 हो गया, 48। तो क्या आया, 5 + 2√3 और 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई में 7 × 7 = 49, ये आ गया वैल्यू 48। तो ये तो हो गया 1। अब आप ऊपर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 × 7 5 × -4√3 तो -5 × 4√3। फिर सेकेंड टर्म को लिया 2√3 × 7 + 2√3 × 7, फिर 2√3 और -4√3 का मल्टीप्लाई किया तो -2√3 × 4√3, नीचे तो आपका 1 हो गया। 35 - 20√3 + 14√3 2√3 × 7, यहाँ पे देखिए √3 × √3 हो गया 3 और 2 × 4 = 8, 8 × 3 बताइए कितना, 8 × 3 = 24, माइनस का 24 हुआ यहाँ, √3 × √3 = 3 हो गया ना, तो -2 × 4 × 3 - 24। तो 35 - 24 कितना है, 11। 35 और 24 को घटा दीजिए, 11 -20√3 + 14√3 तो मतलब -6√3। अब आप क्या कहेंगे, सो 5 + 2√3 / 7 + 4√3 = a - 6√3, या 5 + 2√3 / 7 + 4√3 को हमने सिंप्लीफाई करके क्या निकाल दिया, रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर, तो आ गया 11 - 6√3 = a - 6√3। तो फ्रॉम इट क्या आ जाएगा, a = 11 आ गया। दोनों साइड आप ऐसे देखिए, -6√3 - 6√3 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करें तो a = 11 आ जाएगा, या सिंपली आप कंपेयर करें दोनों तरफ तो a की वैल्यू 11 होनी चाहिए। इस तरह से करना है, ठीक है।